अपने लिए तो हर कोई जिउंदा है, लेकिन दूजे लिए जिउणा ही अपना जीवन मनुखता की सेवा विच लगाउंदा है। ऐसे व्यक्ति समाज विच अपनी अलग तो पहचान नहीं बनाउंदे, अपूति ओ श्रेष्ठ अते चंगे व्यक्तियों के नाम तो भी जाने जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने भी गुरु पूर्णिमा नूं सच्ची अर्थां विच मनदे होए खुद भुखा रह के बचा होया अनाज जरूरतमंद लोकां विच वंडिया। यह बहुत ही वड्डी गल है, इसलिए डेरा श्रद्धालु वधाई दे पात्र है। उक्त उधार शनिचरवार नूं उप पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बिश्नोई ने जिला सिरसा विच डेरा सच्चा सौदा दे सिरसा ब्लाक दे डेरा अनुयायियों वल्लों गुरु पूर्णिमा दे पवित्र दिहाड़े ते गोलचा पैलेस विच आयोजित विशेष नाम चर्चा अते राशन वितरित प्रोग्राम विच मुख अतिथि दे रूप विच बोलदे होए कहे। इस तों अलावा इस प्रोग्राम विच विशेष मेहमान दे तौर ते स्वर्णकार संघ दे जिला प्रधान सुखविंदर सोनी, पुलिस प्रधान संजय कुमार बिश्नोई ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति दूजियां दी मदद करदा है परमात्मा दी उसकी मदद जरूर करदा है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित साध संगत नूं जिला विच वध रहे नशे ते लगाम कसन विच पुलिस प्रशासन दे सहयोग देण दा आह्वान कीता है, जिससे साध संगत ने हथ खड़े करके जिला विच नशे रोकण विच पुलिस प्रशासन दा हर संभव मदद करन दा भरोसा दवाया है। आज मैं गुरु पूर्णिमा के इस दिवस पवन अवसर पे यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मैं अभी इस गुरु पूर्णिमा पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अभी मेरी जो यहाँ पर संगत है या जो पब्लिक आई हुई है उनसे ये भी अपील है, वो सभी अपने खुशी के दिन एक एक पेड़ पौधा जरूर लगाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन मिल सके। और इसके साथ साथ हम नशे के लिए भी कह रहे हैं, जो समाज के अंदर नशा काफ़ी फैल चुका है उस पर कंट्रोल करें और इसकी सूचना पहले वहाँ लोकल लेवल पे करें, अगर नहीं कामयाब नहीं होते तो वो पुलिस को इसके बारे में बताएं ताकि हम वो नशा ख़त्म कर सकें सिरसा जिले का। डेरा सच्चा सौदा जो काम करी है आज के दिन 70 व्यक्तियों को खाना इन्होंने बांटा है, ये बहुत ही शुभ और है। जो आदमी थोड़े से गरीब है या अपंग है उनके लिए खाना दे रहे हैं, ये इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता जो भूखे को खाना देता है। इसके साथ साथ ये भी पता लगा है मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 750 आदमियों को इन खानों की पैकिंग दी गई है, ये बहुत ही अच्छा काम है। और इन मैं सभी जो ये संस्था काम करी है इसको मैं बहुत बधाई के पात्र हैं। ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा ब्लाक की ओर से बहुत ही सराहनीय प्रयास है। सेवा के साथ साथ इन्होंने आप खुद भूखे रहे हैं लेकिन जरूरतमंदों के लिए इन्होंने जो आज ये सहयोग किया है वाकई काबिले तारीफ है। जो गुरु जी ने इनको शिक्षा दी है ये शिक्षा पे चलकर अपने ये काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए इनको पूरी संगत को अपनी ओर से और ग्रुप हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कस्तूर इंसान सिरसा ब्लॉक भंगीदास, आज बहुत ही शुभ दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस दिन आज सिरसा ब्लॉक की साध संगत एक मानता भलाई का कार्य परमार्थी कार्य कर अपने गुरु मुर्शद को ये सेवा कार्य सौंपी जा रही है। ये सेवा आज जरूरतमंद लोगों की मदद के रूप में 70 जरूरतमंद लोगों को पूरे एक महीने का राशन देने जा रही है। ये शिक्षा हमें पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रिंग सिंह इंसा से मिली, उन्हीं की पावन प्रेरणा पर चलते हुए आज हम जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। और आज के दिन पूरी साध संगत व्रत रखेगी, भूखा रहेगी और उसकी बचत है, उसी बचत के द्वारा ही आज जरूरतमंद लोगों को ये राशन बांटने जा रहे हैं। ये समाज हित के लिए, समाज के भले के लिए ये प्रेरणा है, ये बहुत बड़ा सेवा कार्य है जो शहनशाह जी पूजनीय हजूर पिताजी को हमें सिखाया गया। जो आज सिरसा ब्लॉक में 70 परिवारों को राशन बांटा जा रहा है, इसके अलावा भी 4-5 और भी परिवार हैं उन्हें भी हम राशन और दे रहे हैं। लगभग 75 परिवार हो जाएंगे जिन्हें हम यहाँ पर राशन वितरित करेंगे, पूरे महीने का ये राशन होगा। राशन में जो दिन रोजाना की जो जरूरत की चीज़ें होती हैं, आटा होता है, चीनी, दाल, चावल, हर प्रकार की जो डेली जरूरत की चीज़ें होती हैं वो इसमें सब डाला जाता है। पूरे एक महीने की ये किट बनाई जाती है। जुड़ पिताजी को बहुत बहुत लख लख बधाई देते हैं जिन्होंने हमें ये समाज में रहकर समाज हित के लिए रहने का जीने का रास्ता दिखाया, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज गुरु पूर्णिमा दिवस है, हमें गुरु जी ये शिक्षा देते हैं कि जैसे भी कोई वार त्यौहार आता है उसमें गरीबों को राशन दिया जाए। आज हम सब जितने भी जिम्मेवार बहन भाई हैं या साध संगत है भूखे रहकर हमने अपना वो परमार्थ किया है उससे हमने 75 परिवारों को राशन दिया है। आज गुरु जी की प्रेरणा पर चलते हुए हम सब यही गरीबों की मदद करें, उनको राशन बांटे, कपड़े नहीं है तो कपड़े दे, दवाई वगैरह जो बीमार है उनका इलाज करवाया जाए, ये जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।